हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बैग बनाने के लिए देखेंगे, तो इसके लिए हमें दो कलर की माइक्रेन की ज़रूरत पड़ेगी। आप आपके चॉइस के हिसाब से माइक्रेन लीजिए। ये मैंने 2 मीटर कॉर्ड ली है और मेजरमेंट के लिए टेप लगेगी, लाइटर, सीजर। तो अब हम शुरू करते हैं माइक्रेन का बैग बनाने के लिए। तो व्यूअर्स, ये 2 मीटर का कॉर्ड हमने लिया है, तो उसमें हम इसका मिडिल लेके उसको यूं ही एक नॉर्मल नॉट डालेंगे। सिंपल सी है, कुछ नहीं है। जो हम यूजुअल डालते हैं वही माइक्रम का नॉट डाला है हमने। तो ये नॉट डाले हैं हमने इस तरह। उसमें हम माइक्रम के कॉर्ड्स अटैच करेंगे। यहाँ पे मैंने 4 ऑलरेडी अटैच किए हैं, तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ। ये 4, ये 2 मीटर कॉर्ड नहीं, ये छोटी कॉर्ड है, आपको दिखाने के लिए मैंने लिया है। तो इस तरह हम ये नॉट डालने के बाद में हम ये कॉर्ड्स अटैच करेंगे इस तरह। ये एज यूजल हम 2 पार्ट में करेंगे, क्योंकि मैं अपने मोबाइल से शूट करती हूँ तो उसमें ज़्यादा स्पेस नहीं होती है। तो मुझे 10 मिनट्स या 50 मिनट्स के ऊपर मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। इसके लिए मैं 2 पार्ट्स में शूट करती हूँ और 2 पार्ट्स में बताती हूँ। देखिए, इस तरह हम ये 4 कॉर्ड्स अटैच करेंगे दोनों तरफ। उसे अटैच करने के बाद में हम नॉर्मल नॉट्स चलेंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे ये जो 4 कॉर्ड्स हैं, यहाँ के 2 और यहाँ के 2, यहाँ के 2 और यहाँ के 2, हम ये नॉर्मल नॉट डालेंगे। इस तरह इस तरह हो गया। फिर यहाँ का 2 लेकर ये 2 और ये 2 हमने नॉट डाले हैं। फिर ये 2 और ये 2 इसी तरह हमने यहाँ भी करना है। ये जो है बीच के 2 और ये 2 हमें नॉट डालनी है। इसी तरह ये 2 और ये 2, इसी तरह हम कॉर्ड को अटैच करते जाएंगे और एक स्क्वायर बनाएंगे। ये भी 2 और ये 2 भी करना है। फिर ये जो बीच के हैं, ये बीच के 2 ये 2 और ये 2, यहाँ के 2 व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देखते हो तो
तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसी पर आप क्लिक कीजिए। ये फ्री ऑफ चार्ज है और अगर आप क्लिक करेंगे तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरा वीडियो मिस आउट नहीं करेंगे। इस तरह हमें स्क्वायर करना है। ये डिजाइन आपके ध्यान में आई होगी। इसी तरह ये साइड से भी करना है तो हमारा ये स्क्वायर इस तरह हो जाएगा। इस तरह हमारा ये स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने तीन ही लगा, ये लगाना बाकी है तो ये भी इस तरह आ जाएगा, ये भी इस तरह आ जाएगा। तो यहाँ पे चार कॉर्ड्स नॉट्स हो गए, यहाँ चार, यहाँ चार। इस तरह हमारा ये स्क्वायर बन गया है। तो अब हमें ये जॉइन कैसे करते हैं वो दिखाती हूँ। अब हमने ये बनाया है, उसी तरह ये नॉट इस तरह डालनी है। बिल्कुल ही सिंपल है, कुछ भी नहीं, आप यूं ही डाल सकते हैं, इस तरह डाल सकते हैं या उस तरफ डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह ये नॉट सिर्फ एक दूसरे के अंदर से लपेट लेना है और कुछ नहीं है। देखिए इस तरह हमें ये लपेटा है। तो ये कॉर्ड लेकर हमें ये जो ये साइड के हैं उसे रैप करते जाना है इस तरह। से रैप करते जाना है। ये ग्रीन वाले को लेके और सॉरी पिंक कॉर्ड को लेके ग्रीन से रैप करना है। और फिर बीच में यूं ही ऐसे ही डिजाइन बनाना है, नॉट डालना है तो अपनी डिजाइन तैयार हो जाती है। फिर ये यहाँ का पिंक रह गया है, ये हमें यू ही नॉट डालनी। देखिए इस तरह फिर से ये ग्रीन को रैप करते जाना है। इसी तरह यहाँ पे भी हो जाएगा। यहाँ पे जो ये ग्रीन कलर के स्क्वायर के कॉर्ड्स मिले हैं हमें इस तरह रैप करते जाना है। दोनों साइड से ऐसे रैप करते जाएंगे आप। देखिए इस तरह हमारी ये डिज़ाइन बन जाएगी। तो आपको जितना बड़ा चाहिए विड्थ में, लेंथ में, उस हिसाब से आप ये जो स्क्वायर है वो ज़्यादा अटैच करते जाइए। और आपको अगर बहुत लंबा चाहिए तो आप बड़ा लंबा कॉर्ड लीजिए। देखिए ये होने के बाद में ये जो बीच में डिज़ाइन की है उसी तरह करना है। ये बीच के चार दो और यहाँ के दो लेके हमें नॉट डालनी है इस तरह। ये दोनों स्क्वायर अटैच हो जाते हैं। तो बस अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका फिनिशिंग देखेंगे। इस तरह ये अटैच करते जाना है।
यहाँ पे ये जो पिंक वाला है उसे रैप करना है। एक ही साइड में रैप करने का है, एक ही साइड में। तो इस तरह ये स्क्वायर हो जाता है। स्क्वायर में ये साइड में चार, ये साइड में चार, इस तरह चार, इस तरह ये स्क्वायर बन जाता है। सो व्यूअर्स, आपको डिज़ाइन पसंद आई रहेगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसका फाइनल बैग करके। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय, सी यू।